आज हमने अपने इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है, वो एक्सरसाइज 1D। इसमें क्या करना है आपने कि आपके पास ये दिया हुआ है टू और मोर ऑफ द फोर ऑपरेशंस इन अ सम। एक उन्होंने ये आपके पास एक सम है, इसमें उन्होंने फोर ऑपरेशंस दिए हैं, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, और यानी कि फोर ऑपरेशंस है। अब आपने इसमें क्या, कौन से पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है। यहाँ पर उन्होंने थ्री आपके पास सोल्यूशंस दिए हैं कि सबसे पहले इसमें उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें डिवाइड, फिर इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसमें ऐड किया है। यहाँ पे पहले उन्होंने ऐड किया है, फिर उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे पहले डिवाइड किया, पहले मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद इन्होंने ऐड किया। इन इन मतलब इनकी अरेंजमेंट चेंज करके हमारे पास आंसर भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं डी मैस रूल। ये जो हमारे पास है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद करते हैं सब्सट्रैक्शन। इस रूल को फॉलो करके आपने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसके अंदर जो एक और मेन बात ये है कि ब्रैकेट्स टोल्ड हिम विच पार्ट टू वर्क फर्स्ट। इसमें भी आपने क्या करना है कि आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं ब्रैकेट में ये, तो इसका मतलब है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इसमें आपने डी मैस रूल को फॉलो नहीं करना। अगर आपके पास ब्रैकेट गिवन नहीं है तो आपने सबसे पहले तो आपने डी मैस रूल को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है आपके एक्सरसाइज 1D में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे आप डी मैस रूल को फॉलो करेंगे। डी मैस में सबसे पहले इसमें क्या आता है, अब आपके पास उन्होंने दिया है प्लस और माइनस। अब डी मैस रूल में सबसे पहले हम करते हैं एडिशन, उसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 4 = 12 करेंगे, उसके बाद 12 - 3 = 9 करेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं। 9 और 10 में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने जो बाहर वैल्यू है उस